गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स माई नेम इज अभिनव आई वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ द ऑफिसर्स अकेडमी आई एस एन पी सी एस बाई दस अकेडमी इवन यू कैन से लाइक दैट दैट्स एंड राइट नाउ वी आर ब्रिंगिंग हम एक बार फिर से आपके सामने आ रहे हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ जिसमें आज की आज हम बात करेंगे सिविल सर्विसेस के बारे में और मैं डॉक्टर अभिनव सिंह आपके आ, आपके लिए अपना इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल या मैं बात करूं जैसे आप सिंपली uh, जिसको आप एक uh, नाम देते हो इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट आर्थिक व सामाजिक विकास हम मॉड्यूल की यहां पर प्रारूप की यहां पर बात करेंगे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस की बात है आई हैव स्पेंट ऑलमोस्ट मोर देन टेन ईयर्स इन मैंटरिंग द स्टूडेंट्स ऑफ यू पी एस सी इन द स्टेट पी एस सी अक्रॉस इंडिया एंड कवर्ड मोर देन टेन स्टेट्स इवन यू कैन से लाइक दैट फॉर एग्जाम्पल आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ द साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट नो इशूज ऑल दैट नॉर्थ में भी है साउथ में भी प्रेजेंस है वेस्ट में भी प्रेजेंस है नॉर्थ ईस्ट में भी प्रेजेंस है तो अक्रॉस इंडिया पैन इंडिया लेवल पर पढ़ाने का एक तजुर्बा मिला जिस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स से हम गो uh, थ्रू हुए एवरी ईयर इफ यू आस्क मी डेट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आई हैव टू गो थ्रू विद तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि हर साल ऑलमोस्ट ऑफलाइन मैंने बेसिकली ऑफलाइन ही पढ़ाया है तो समाइम्स इट ऑनलाइन पीपल को मेरे बारे में नहीं पता होता है नहीं जानते ना बट मोस्टली मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ऑफलाइन का रहा है ऑफलाइन एक्सपीरियंसिस की अगर मैं बात करूँ तो हर साल दस या बीस हजार स्टूडेंट्स गो थ्रू होते हैं जिनको हम देखते हैं हमेशा एक मतलब जो कॉमन सी चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो कि मेरे सब्जेक्ट से भी रिलेट होती है वो है कि जैसे मैं बात करूं प्रिपरेशन uh, की तो प्रिपरेशन में सारी चीजें आप पढ़ते हो आप जीएस पढ़ते हो ठीक है आप सी पढ़ते हो बाकी सारी अपने ऑप्शनल्स पढ़ते हो नो इशूज ऑल दैट But when it comes to a score, to uh, when it comes to a score in you can say technical subjects like economics or science and tech like that, we find it difficult to do the things, to get the marks, and the basic problem is that what approach. हर सब्जेक्ट को बेटा पढ़ने का अपना एक अप्रोच होता है आप किसी भी विषय को एक तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं आप इकोनॉमिक्स को हिस्ट्री की तरह नहीं पढ़ सकते हैं हिस्ट्री को पॉलिटी की तरह नहीं पढ़ सकते हैं पॉलिटी को साइंस की तरह नहीं पढ़ सकते हैं साइंस को इकोनॉमिक्स की तरह नहीं पढ़ सकते हैं तो थिंग्स आर डिफरेंट हालांकि हर सब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन रखता है अंतर विषयी संबंध रखता है पर हम एक सब्जेक्ट को एक तरीके से नहीं पढ़ सकते क्योंकि हर सब्जेक्ट का टेम्परामेंट और, और जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है और इस सब्जेक्ट को मुश्किल सिर्फ इस नाते समझा जाता है क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत मुश्किल होती है एंड ऑल्सो थिंग्स आर वेरी मच डायनेमिक इन नेचर एवरी डे यू जस्ट गो थ्रू सो मेनी टाइप्स ऑफ करंट अफेयर्स यू जस्ट गेट थ्रू अब इसमें होता क्या है कि बेटा कि करंट अफेयर है कंसेप्ट है और भी चीजें हैं एनालिसिस है, है न्यूज़ेस है हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें जहां तक रही है, क्या पढ़ने की बात क्या करना है ये सब आपको बताते हैं जैसे बीइंग टीचर मैं कहता हूं कि मैंने मेरे मैं सक्सेस से ज्यादा अनसक्सेसफुल अपने लाइफ में रहा हूं बहुत कोशिशें की कुछ चीजें पाने की जो आज तक मुझे मिल नहीं पाई स्टूडेंट्स जो भी मुझे जानते हैं वो स्टोरी बड़ी कॉमन सी है मैं हर क्लास में सुनाता हूं कि आई हैव द स्टोरीज ऑफ अनसक्सेसफुलनेस अब मैं कभी सक्सेस की बात ही नहीं करता क्योंकि मुझे पता है कि जिस दिन आपको ये पता चल जाए ना कि क्या गलतियां होती हैं तो सक्सेस तो आपको मिल ही जाती है क्या करना है ये सारे बताते हैं क्या नहीं करना अगर आपको ये पता चल जाए तो शायद आपका काम बहुत आसान हो सकता है और हम यहां पर वही बातें करेंगे कि क्या नहीं करना है इस विषय में कैसा अप्रोच रखना है किस तरीके से अच्छे मार्क्स हम पा सकते हैं किस तरीके से चीज़ों को पेन डाउन करके मेंस में अच्छे मार्क्स पाए जा सकते हैं प्रिलिम्स का क्या रिलेवेंस है मेंस का क्या रिलिवेंस है उन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे फिलहाल क्योंकि अभी प्रिलिम्स आने वाले हैं तो आज की चर्चा में सिर्फ प्रिलिम्स पर आधारित रखूंगा आने वाली जो भी हमारे वीडियोस वगैरह होंगे जब भी आपसे हमारी बातचीत होगी मैं आपसे लाइव सेशन में बातचीत करना चाहता हूं ताकि आपकी परेशानी को भी मैं समझ सकूं और ऐसे में यहां पर जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ आज जो बात करूंगा वो प्रिलिम्स विशेष होगी सो लेट्स गेट स्टार्टेड इकोनॉमिक्स की बात करूं ठीक है तो बेटा ये सब्जेक्ट बहुत आसान है बट उनके लिए आसान है जिनके पास उसको समझने का अप्रोच है दोज राइट अप्रोच राइट स्ट्रेटजी एंड यू कैन से राइट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस सब्जेक्ट इज वेरी मच इजी फॉर देम ओनली नॉट फॉर अदर्स क्योंकि यहां पर क्या है ना चीजों को लोग कॉम्प्लेक्स बहुत बना दिया गया है जो कि चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स है नहीं जैसे एक सिंपल सी बात है एक सिंपल सा लॉजिक है कि कोई भी सब्जेक्ट की अगर जब भी हम बात करते हैं ठीक है जब भी हम बात करते हैं तो वो क्यों करते हैं सबसे बेसिक चीज क्या है दुनिया में सबसे बेसिक चीज होती है ये वन मिनट सबसे बेसिक चीज होती है ये प्रॉब्लम्स समस्या बेटा हम सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि जिनके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती वो मर चुके होते हैं इफ यू आर अ डेड पर्सन देन ओनली इन दैट कंडीशन यू विल नॉट जीवन में है तो संघर्ष जारी रहेगा दोस्त आप इससे कभी पीछा नहीं छोड़ा सकते और ये प्रॉब्लम्स फंडामेंटल चीज है हर विषय में हर चीज में प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी इंसान जब दुनिया में आता है तो उसको कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम थी इस नाते लैंग्वेजेस बनाई उसने साउंड्स निकाले कुछ वर्ड्स निक बनाए उसने लैंग्वेजेस डेवलप होती हैं। जब भी हम बात करते हैं कि अपनी नॉलेज को दूसरों को ट्रांसफर करना था तो पीपल स्टार्टेड राइटिंग द थिंग्स उन्होंने फिर स्क्रिप्चर्स बनाए स्क्रिप्ट बनाई लिखना शुरू किया क्योंकि अपनी नॉलेज को आने वाली जनरेशन आने वाली जो आने वाले जो लोग हैं आने वाली जो जनरेशन है उसको ट्रांसफर करना था यहाँ पर ठीक है बेसिकली देखो जितने भी सब्जेक्ट्स है ना कहीं ना कहीं उनका बेसिस जो है वो प्रॉब्लम्स है बंदा आराम से पेड़ के नीचे सो रहा होता है ऊपर से सेब गिरता है प्रॉब्लम हो जाती है ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा समस्या सामने आती है जिसका अध्ययन होता है रिसर्च होती है और ग्रेविटी की खोज होती है किचन में काम कर रहा होता है दूध में शक्कर मिलती केमिकल रिएक्शन होता है फिर प्रॉब्लम हो गई कि दूध मीठा क्यों हो गया शक्कर मिलने के बाद खारा क्यों नहीं हुआ फिर अगेन देर इज अ प्रॉब्लम और फिर इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं सब्जेक्ट बिकम्स केमिस्ट्री ऑल्सो Zika की तरह ही बोला की तरह कोविड की तरह कोई पेंडेमिक या महामारी फैलती है बहुत सारे लोग मर जाते हैं सोसाइटी एंड देर वॉज अ रिसर्च और फिर से उसका अनुसंधान रिसर्च वगैरह होता है तो द सब्जेक्ट बिकेम वट वायरोलॉजी तो जितने भी विषय हैं उन सबका जो आधार है मूल आधार है वो क्या है समस्या क्योंकि अगर आपको समस्या नहीं होगी तो कोई विषय नहीं बनेगा ठीक है दूसरा फंडामेंटल चीज है कि विषय करता क्या है हमारे ठीक है हमारे कार्यों में हमें समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं जो भी हम जिंदगी जी रहे हैं भी कार्य है इन समस्याओं के समाधान के लिए फिर उनका स्टडी या अध्ययन होता है स्टडी कह लो या फिर उनका रिसर्च और फिर एक थियोरी या सिद्धांत बनता है सिद्धांत बनता है और एक प्रकार की एक नेचर की एक प्रकृति के सारे सिद्धांतों को अगर संकलन संकलित कर दिया जाए तो एक विषय यानी सब्जेक्ट का निर्माण होता है सो इज़ सब्जेक्ट ऑल्सो ये क्रम है शुरुआत हमेशा प्रॉब्लम से ही शुरू होती है दूसरा फंडामेंटल चीज बता बेटा मैं कुछ नहीं आपको पढ़ा रहा हूं आज की डेट में आज की क्लास में मैं आपको कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको पढ़ना कैसे और क्या पढ़ना है सिर्फ दो चीजों पे हमारी चर्चा होगी दूसरी फंडामेंटल चीज अगर मैं बात करूं वो क्या है इकोनॉमिक्स को अगर समझना है तो वो कैसे समझेंगे कि देखो यहां भी क्या प्रॉब्लम है कौन सी प्रॉब्लम है अनलिमिटेड सो हाउ दीज लिमिटेड रिसोर्सेज शुड बी यूज टू फिलफिल अनलिमिटेड वॉन्ट सो दैट वी कूड गेट अ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हिंदी में आसान शब्दों में संसाधन सीमित है इच्छाएं असीमित हैं तो इन सीमित संसाधनों से असीमित इच्छाओं की पूर्ति कैसे की जाए कि हमें सर्वाधिक संतुष्टि प्राप्त हो सके ठीक है सो दैट वी कुड गेट अ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन यही प्रॉब्लम है इकोनॉमी की जिसका सोलूशन निकालता इकोनॉमिक्स अपने दो शब्द दो शब्द के नाम लिए इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स वे वू दे मीन हाउ डू दे डिफर फ्रॉम ईच अदर दोनों से भिन्न भिन्नता दोनों में भिन्नता कैसे है इकोनॉमी की बात करें और इकोनॉमिक्स की बात करें इकोनॉमिक्स एक विषय है और इकोनॉमी क्या है उस विषय का हमारे व्यवहारिक जीवन में एप्लीकेशन की बात करता है जब आप अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को अपने व्यवहारिक जीवन में लागू करते हैं तो वो क्या बन जाता है अर्थव्यवस्था ठीक है एक और फंडामेंटल चीज है इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स में आपकी वैल्यू कौन करता है आपकी वैल्यू दो चीजें करती हैं। और वो दो चीजें क्या है उपलब्धता तथा उपयोगिता एवेलिबिलिटी एंड यूटिलिटी हाउ कम जैसे मान लीजिए कि आप मरुस्थल या रेगिस्तान में हो एंड यू आर फीलिंग सो मच थ्रिस्टी एंड आई ऑफर यू टू थिंग्स यू कैन ईदर चूज वन बॉटल ऑफ वॉटर लाइक दिस और यू कैन चूज वन के जी ऑफ आई ऑफर यू वन के जी ऑफ गोल्ड ऑल्सो एक किलो सोना और एक बोतल पानी में ऑफर कर रो आपको बहुत प्यास लगी हुई है आप क्या चूज करोगे पानी क्यों क्योंकि उस समय आपको प्यास या आपकी जिंदगी जाने वाली तो उस समय आपकी जो जरूरत है जिसकी सबसे ज्यादा उपयोगिता है आपके जीवन में वो है जल तो आप पानी को चूज करोगे हाँ दूसरा क्वेश्चन जरूर पूछोगे सर वो गोल्ड वाले का क्या सोचा है तो गोल्ड क्यों चूज कर रहे हो देन जब आपकी अपनी जरूरतें पूरी है तो फिर गोल्ड क्यों चूज कर रहे हो क्योंकि बेटा यू नो दैट कि इट्स अ वेरी लिमिटेड मटेरियल ऑन दिस प्लान बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है और जिसके नाते उसकी वैल्यू है तो कहीं ना कहीं कुछ चीजों की जो वैल्यू है जो मूल्यांकन है जो उनका मूल्य है वो उसकी उपलब्धता तय करती है और कहीं ना कहीं कुछ चीजों का जो वैल्यू है वो उसकी उपयोगिता उपयोगिता तय करते है यूटिलिटी जिसको आप कहते हो तो ये दो चार फंडामेंटल चीजें हैं इकोनॉमिक्स में बात करें तो बेटा वी हैव नथिंग टू डू विथ इमोशंस जहां भी इमोशनल सेटिस्फैक्शन की बात होती है तो वहां इकोनॉमिक्स मोर और लेस नहीं अप्लाई होता है इकोनॉमिक्स अप्लाई कब होता है जब हम बात करते हैं किसकी इकोनॉमिकल सेटिस्फैक्शन की इकोनॉमिकल बेनिफिट की, की। जहां पर पैसा इन्वॉल्व होता है जहां पर चीजों को हम पैसे रुपए में नाप सकते हैं वहीं पर क्या अप्लाई होती है यहां पर इकोनॉमिक्स ठीक है चलिए बाकी सब चीजें बाद में बात करते हैं फिलहाल हम थोड़ा सा आगे कहानी बढ़ाते हैं इस सब्जेक्ट को थोड़ा आसान बनाते हैं आपके लिए इसमें तीन चीजें होती हैं दोस्त कॉन्सेप्ट दूसरा है लॉजिक और तीसरा है ओपिनियन कॉन्सेप्ट लॉजिक एंड ओपिनियन जिसको मैं कहता हूं सी एल ओ एक्सक्यूज मी सी एल ओ स्ट्रैटेजी ये रामबाण है मैं नहीं जानता कि बेटा आपने इस विषय को कैसे पढ़ा या कुछ का बैकग्राउंड रहा है या आप इसको किस तरीके से देखते हो या आपका अपना पढ़ने का अप्रोच क्या है मैं नहीं जानता उसके बारे में बट एक जो फंडामेंटल है और जिस तरीके से मैंने इस विषय को पढ़ा है ठीक है तो मैं उसके हिसाब से ही आपसे बात कर रहा हूं कि इसको कैसे आपको डील करना है थोड़ी आज तबियत नासाज है सॉरी फॉर दैट ऑल्सो तो सीएलओ की मैं बात कर रहा हूं कॉन्सेप्ट लॉजिक एंड ओपिनियन ठीक है अवधारणा बेसिक थिंग्स लॉजिक मतलब तर्क और तीसरा कहे आपकी राय आपका विश्लेषण या आपकी ओपिनियन की हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट लॉजिक एंड ओपिनियन जैसे मान लीजिए जी हम जीडीपी के बारे में पढ़ते हैं तो व्हाट इज जीडीपी मेनी टाइम्स इट इज आज दैट वीन बाई जी डी पी इन वेरी सिंपल सेंस आपने एक वर्ष में अपनी आर्थिक सीमाओं के भीतर जो भी अंतिम वस्तु तथा सेवाओं का निर्माण किया है उसके मूल्य को अगर जोड़ दिया जाए तो आपको उसके बाजार मूल्य को जोड़ दिया जाए तो आपको जी मिल जाती है मोटा मोटे शब्दों में कि आपने अपने देश में जो भी वस्तु तथा सेवाओं का गुड्स एंड सर्विसेज जो भी आपने प्रोड्यूस किया है उसके दाम को अगर जोड़ दो तो आपको क्या मिल जाएगी जीडीपी इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीआर एवरीबडी नोज दैट हम सुनते हैं इसके बारे में तो अगर किसी देश में किसी देश में अगर जीडीपी बढ़ रही है उत्पादन बढ़ रहा है तो आखिर वो दिखा क्या रहा है कभी सोचा इसके बारे में जीडीपी का बढ़ना किसी देश में क्या दिखा रहा है वो दिखा रहा है बड़ी सिंपल सी चीज बेटा अगर आपके देश में जीडीपी बढ़ रही है तो ये दिखा रहा है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ आर्थिक समृद्धि किसी देश में आर्थिक समृद्धि अगर होती है तो जाहिर सी बात है उत्पादन स्तर वगैरह बढ़ रहा है यानी आपके अर्थव्यवस्था का आकार जिसको आप कहते हो साइज ऑफ एन इकोनॉमी इज गेटिंग इनक्रीज अर्थव्यवस्था का आकार यहां पर बढ़ रहा है यानी आपका उत्पादन स्तर बढ़ रहा है अगर उत्पादन स्तर बढ़ रहा है यानी नई वस्तु तथा सेवाओं का निर्माण आप कर रहे हो जिसके नाते लोगों को रोजगार वगैरह मिल रहा है जिसके नाते उनकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है जिसके नाते उनका जीवन स्तर सुधर रहा है जिसके नाते एक देश में रहने वाले लोगों का आर्थिक विकास भी हो रहा है तो सोचो एक छोटी सी चीज से कितनी चीजें हमने कोरिलेट की है ये क्या है लॉजिक है कि अगर ये हो रहा है अगर ये कॉज है तो इसका रिएक्शन क्या होगा ठीक है ये कारण है तो उसका प्रभाव कैसा पड़ेगा अगर आप ये स्टेब्लिश करना सीख गए तो ये सब्जेक्ट बहुत आसान है फिर तो ये बहुत छोटी सी चीज आपके लिए रह जाती है ओपिनियन और बेटा ये ओपिनियन ही आपका मेंस है जैसे आज के डेट में भारत में फूड इन्फ्लेशन की हम बात कर रहे हैं खाद्य मुद्रा स्मृति की बात कर रहे हैं तो फूड इन्फ्लेशन भारत में बढ़ने का कारण क्या है किन किन आयामों से रेट होता है आयाम डिमेंशन कोई भी सब्जेक्ट इंटर है सिविल सर्विसेज में जब भी हम बात करते हैं तो यहां पर बेटा बात होती है, चीजों को रिलेट करने की लंबे घंटे तक पढ़ना ठीक है वो सिर्फ पढ़ना होता है समझना कुछ नहीं होता है पढ़ने और समझने से भी बड़ी ज्यादा चीज होती है सीखना और बेटा मेरा जो पढ़ाने का तरीका है या जो मैं आपसे डील करना चाहता हूं वो चीजों को सिखाने पे करना चाहता हूं आई वोट टेल यू की वट कैलकुलेटेड एंड दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स मैं क्यों पे बात करूंगा और जिस दिन आपने इस क्यू को पकड़ लिया क्या कब कैसे कहां ये सारे बताते हैं बट वी टॉक अबाउट थोड़ा अटपटा सा कॉन्सेप्ट लगता है सर वाई के पीछे जाना लेकिन जिस दिन आपने वाई को खोजना शुरू किया तो दुनिया में ऐसा कोई विषय नहीं ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं ऐसी कोई भी चीज नहीं कोई पजल नहीं जो आपको समझ में ना आए आप सब चीज कर सकते हो लाइफ में लेकिन आपको थोड़ा उसके लिए विचारशील होना पड़ता है थोड़ा सा वाई के पीछे जाना पड़ता है हालांकि टाइम कम होता है एग्जाम जब आप टारगेटेड एग्जाम की तैयारी करते हैं उसमें टाइम कम होता है तो वी गेट लेस टाइम बट आई फील कि थोड़ी इसमें आपके मैं मदद करूंगा ताकि इस विषय संबंधित आपके सारी दुविधाएं खत्म हो सकें और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप अच्छे मार्क्स इसमें गेन कर सको आप मेरे स्टूडेंट हो तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपसे क्वेश्चन छूटे ना और हाँ इस सब्जेक्ट को मैं पढ़ाने से ज्यादा आपको सिखाने पर बिलीव करता हूं चलो जीडीपी बढ़ने का मतलब अर्थव्यवस्था की साइज बढ़ रही है यानी इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह हो रही है ठीक है अब था क्या कि आपसे यूपीएससी मेंस की अगर मैं बात करूं तो देर वाज अ क्वेश्चन कि व्हाट इज वी शेप रिकवरी व्हाट इज वी शेप इकोनॉमिक रिकवरी एंड व्हाट फैक्टर्स हैज बीन व्हाट फैक्टर्स हैव बीन इन इंडिया जस्ट इंश्योर्ड वी शेप रिकवरी इन इंडियन इकोनॉमी मतलब वी शेप यानी वी आकार की जो पुनरुत्थान है वो है क्या और भारत में क्या कारण रहे हैं या है जिसने भारत देश की अर्थव्यवस्था में शेप वी आकार की जो आपकी रिकवरी है उसको सुनिश्चित किया तो देखो सिंपल सी बात है ओपिनियन की बात कर लेते मेंस का क्वेश्चन है ये सिंपल सी बात है कि अगर कोविड के पहले की बात करें तो हमारी जीडीपी का जो साइज था वो था एक रफ आइडिया दे रहा हूं मैं आपको 145 लाख करोड़ कोविड में वो गिर के पहुंच गया एक लाख करोड़ जी की बात कर रहा हूं अगेन वो रिज्यूम कर गया यहां पर एक सॉरी एक लाख करोड़ पे यानी एक शेप बन है ना एक आभास आपको दे रहा है ना इसी शेप के बारे में पूछा था जीडीपी गिरी और जीडीपी उठी और उसके कारण क्या रहे क्योंकि गवर्नमेंट ने काफी सारे प्रयास किए थे आत्मनिर्भर भारत अभियान सेल्फ रिलाय इंडिया मिशन प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम सो मेनी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लॉन्च किया और बाकी सब सपोर्ट्स आपको प्रोवाइड किए ताकि आपकी इकोनॉमी रिकवर कर सके रिकवरी कैसे हो तो उसके बारे में नहीं हम बात कर रहे हैं सिंपल बात कर रहे ओपिनियन जनरेट करने की सो थिंग्स आर वेरी मच इजी Sort of sort of तो चलिए आगे बातें करते हैं तो ये पढ़ना कैसे है ठीक है सोर्सेस के बारे में लिख लेते हैं कहां कहा से आपको चीजें पढ़नी है सोर्सेस के बारे में बात कर लेक है फिल्म ओरिएंटेड में बात कर रहा हूं सोर्सेस के बारे में बात कर ले तो कीप इट सिंपल जैसे कि यहां पर सबसे पहली बात सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर्स पेपर्स या क्वेश्चंस की बात कर लो आपको पढ़ना क्या है ठीक है और कैसे पढ़ना है ये दो क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आपने ये दो चीजें डिफाइन कर लिया दो चीजें एक बार समझ ली तो जैसे आप कभी भी किसी अनजान रास्ते पे जाते हो तो यू जस्ट ओपन योर गूगल मैप क्योंकि आपको नहीं पता है कि वो रास्ता आपको कहां ले जाएगा या मंजिल तक जाएगा भी या नहीं जाएगा और कहीं हम रास्ता भटक भटकने जाए इस नाते जस्ट टेक द हेल्प ऑफ गूगल मैप्स मैप खोल लेते हो आज के डेट में मोबाइल है तो गूगल मैप खोल रहे हो बट वॉट अबाउट दैट एग्जामिनेशन अबाउट विच यू डोंट नो एनीथिंग तो सिलेबस आपका सबसे की फैक्टर होता है जिस दिन आपने सिलेबस को समझ लिया तो आपको यह पता होगा कि जो मैं पढ़ रहा हूं वो रिलेवेंट है या नहीं और मुझे क्या चीजें पढ़नी है क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी है नहीं करना वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दूसरा क्या बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जब एनालिसिस की बात मैं करता हूं तो यह सिर्फ वो नहीं रट्टाफिकेशन मार लिया रट्टाफिकेशन नहीं मारना है मेरे से बहुत सीनियर लोग यहां पर आपके मेंटोरशिप के लिए जुड़े हुए हैं जिन्होंने रियल में एग्जाम दिया है जो सेलेक्टेड रहे हैं वो शायद आपको इस विषय में बहुत और अच्छे से आपको समझा सके फिलहाल मैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट के नाते आपसे कह सकता हूं कि वाई दिस पी वाई क्यू एनालिस इज इंपॉर्टेंट ईमानदारी से एंड द थिंग इज वेरी सिंपल कि ये जो क्वेश्चन आया है वो किस लेवल का है ये पता चलेगा ठीक है किस टॉपिक से रिलेटेड है ये पता चलेगा और यही क्वेश्चन क्यों आया है

सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ यही है बेसिक्स स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर मैं कौन सी किताब लू इकोनॉमिक्स में तो बेटा कोई भी किताब अपने आप में पूर्ण नहीं है किसी में कुछ अच्छा है किसी में कुछ अच्छा है कंपटीशन में जो भी किताबें चलती हैं मैंने तो खैर सिंपली बताओ तो यार वो किताबें मैंने आज तक पढ़ी भी नहीं मैं हमेशा जो है थेरटिकल चीजें पढ़ता हूं या मैं बात करूं जो कंसेप्चुअल चीजें वो पढ़ता हूं मैं चीजों को क्लियर करने पर ज्यादा यकीन रखता हूं ठीक है मुझे शॉर्टकट में यकीन नहीं है मैं लंबा चलूंगा लेकिन सही चलूंगा यह है विश्वास तो मेरा पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग है मैं रिसर्च में बिलीव करता हूं चले वो मेरी बात है मैं आपको नहीं कह रहा हूं वो करने के लिए बट हां बेटा किसी किताब में कुछ पोर्शन अच्छे हैं कुछ पोर्शन नहीं है और किसी किताब में कुछ चीजें हैं और कुछ चीजें नहीं भी हैं। तो नो एनी बुक इज परफेक्ट इन नेचर फॉर द फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो सबसे बेहतर चीज क्या हो सकती है और सबसे बेहतर इलाज इसका क्या हो सकता है गो थ्रू द बेसिक्स एज मच एज यू कैन जितना हो सके बेसिक्स पर काम करो और मेरे पर भरोसा रखो कि आप जिस दिन इन बेसिक्स को करंट से रिलेट कर पाओगे आपका काम हो जाएगा बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं सो वेन एवर एनी स्टूडेंट मी सर विच बुक आई शुड टेक आई जस्ट टेल हिम इन इन्यूमरस वे की इफ द कलर यू लाइक द मोस्ट जिस रंग की किताब पसंद हो वो ले सकते हो वे नहीं कह रहा कोई किताब ले लो एंड बेसिक्स के लिए जो सबसे अच्छा और सबसे सस्ता है वो है एनसीआर इसको पढ़ने का तरीका होता है किसी दिन मैं सेशन लूंगा कि हाउ टू तो स्टडी एनसीआर फिलहाल एनसीआर आप देख सकते हो और बेटा थोड़ी बहुत अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है थोड़ा समझ में आती है देखो इंग्लिश ना पता होना कोई मेरिट नहीं आज के जमाने में थोड़ा बहुत आपको समझ में तो आना ही चाहिए तो यू कैन गो फॉर तमिलनाडु बोर्ड बुक्स ऑल्सो डु बोर्ड बुक्स ऑल्सो अब इसमें क्या है क्लास नाइन्थ है 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 और ट्वेल्थ है आप यूपीएससी का भी पेपर उठा के देख लो इस साल का बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन क्लास नाइन एनसीआर से आपको पूछे गए हैं दो क्वेश्चन तो आए हुए हैं वहां से तो आप इसको अंडरमाइन नहीं कर सकते बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमने बेसिक पढ़ रखी है हमने दो बार या चार बार एन पढ़ रखी है तो भाई मेरे तुमने पढ़ रखा है तो फिर आपको समझ में क्यों नहीं आ रही है मारा है या सिर्फ आपने पढ़ा है वो क्या है कि आप अभी भी कुछ चीजों को रिलेट नहीं कर पा रहे हो या अभी भी ठीक तरीके से सब्जेक्ट पे आपकी कमांड नहीं क्योंकि दिन आपकी बेसिक पे कमांड हो गई तो ये मेरा बिलीव है ये मेरा ट्रस्ट है आप पर और चीजों पर कि आपको बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें भी आसानी से समझ में आनी शुरू हो जाएंगी आप न्यूज़पेपर में जो न्यूज पढ़ते हैं वो रिलेट करना आप शुरू कर दोगे किताबें जो आप स्टैंडर्ड लेके बैठे हुए हो जो भी क्वेश्चंस आप वगैरह कर रहे हो उसमें आपके थॉट्स अपने आप जनरेट होना शुरू हो जाएंगे प्रोवाइडेड दैट दीज बेसिक्स आर वेरी मच क्लियर टू यू गाइस ठीक है तो नाइन टेंथ ट्वेल्थ की बात कर रहे हैं टोटल पांच किताबें हैं आपके पास इनमें से मैं दो किताबों को सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं

मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र ठीक है भारतीय आर्थिक विकास ये दो बुक्स इंपॉर्टेंट है ठीक है बेटा ये किताब तो आप जैसे स्टोरी टेलिंग होती ना जैसे आप कोई कहानी सुनते वगैरह हो वैसे आप इसको पढ़ सकते हो बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी अच्छा पढ़ने का तरीका भी मैं बता देता हूं थोड़ा सा आप जब भी इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ना ना तो थोड़ा सा चीजों को सिम्पलीफाई करना ताकि आप हिस्ट्री वगैरह से भी चीजों को रिलेट कर पाओ वो थोड़ा काम आपका आसान कर देता है जैसे अगर मैं बात करूं सो टेक टू डेट्स अट्ठारह से पूर्व ठीक है प्री 1857 और अठारह के बाद पोस्ट 1857 ठीक है क्योंकि बेटा 1857 फिफ्टी सेवन इज एन इंपॉर्टेंट डेट क्योंकि इसके बाद भारत में बहुत सारी चीजें बदल गई कंपनी रूल जो है वो क्राउन रूल में चेंज हो गया आपके यहाँ बजट आता है आपके यहाँ इनकम टैक्स आता है आपके यहाँ बहुत सारी व्यवस्थाएँ चेंज हो जाती हैं चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे वो कॉमर्शियल हो चाहे आपकी आ, राज्य व्यवस्था हो पॉलिटिक पॉलिटी की बात करें तो काफ़ी सारी चीज़ें इंडिया में चेंज हो जाती हैं राइट इंडियन पुलिस एक्ट आ जाता है इंडियन इनकम टैक्स एक्ट आ जाता है आप देश में बजट लाते हो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलाव का दौर चल रहा था तो 1857 के पहले का भारत कैसा रहा और 1857 के बाद के भारत की अर्थव्यवस्था कैसी रही 57 की बात की बात करें तो आप इसको और तोड़ सकते हो 1857 से लेकर नाइनटीन तक का भारत मतलब प्री इंडिपेंडेंस और भारत की आजादी के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस आफ्टर 1947। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर मैं बात करूं तो आजादी के पश्चात आप इसको दो तरीके से फिर से तोड़ सकते हो ठीक है बिफोर लिबरलाइजेशन उदारीकरण से पूर्व बिफोर एलपीजी या उदारीकरण से पूर्व एलपीजी पॉलिसी 1991 में आपने अडॉप्ट की थी एंड आफ्टर एलपीजी आफ्टर एलपीजी उदारीकरण के पश्चात ठीक है उदारीकरण से पूर्व की बात करें तो आप बात करते हो टिल 1947 जब हमने समाजवादी अर्थव्यवस्था को ज्यादा महत्व दिया मतलब थे तो हम मिक्सड इकोनॉमी लेकिन हमारा जो इंक्लाइनेशन था इट यूज टू बी टूवर्ड्स द सोशलिज्म सो वी वॉन्टेड एवरी थिंग टू बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्मेंट सो दट वाई वी स्टार्टेड नेशनालाइजेशन इन इंडिया राष्ट्रीयकरण की हमने शुरुआत की भारत के परिप्रक्ष्य में अगर हम बात करें तो बहुत सारी आ, सरकारी कंपनियों का निर्माण होता है जो प्राइवेट कंपनियां थी उनको सरकारी बनाया जाता है सरकार सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना चाह रही थी चाहे वो यहाँ तक की बैंकों की ब्याज दरें भी सरकार के हाथों में थी नियंत्रण में थी तो ऐसे में वहां के भारत की तुलना करेंगे तो आफ्टर लिबलाइजेशन के बाद की 1947 के बाद के भारत से उसकी तुलना करेंगे आफ्टर लिबलाइजेशन मतलब एलपीजी के बाद की सो 1947 से टिल 1991 तक एंड 1991 से लेकर 2021 तक की बात करेंगे बिकॉज इन 2021 वी हैव अडॉप्टेड अ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी नई औद्योगिक नीति की फिर हमने यहाँ पर बात की है तो थोड़ा तोड़ के पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा इकोनॉमिक्स की बात करें तो देर आर टू सेगमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स समस्ती अर्थशास्त्र और व्यस्टी अर्थशास्त्र तो समस्ट अर्थशास्त्र अगर मैं बात करूं समस्टी अर्थशास्त्र इंपॉर्टेंट है नो no इशू लेकिन उसका जनरल चीजें छोटी मोटी जो चीजें होती डिमांड सप्लाई क्या होता है ठीक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किस चीज की स्टडी करते हैं जनरल इंफॉर्मेशन पता हो दैट्स अनफ मैक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समी अर्थशास्त्र आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहां पर राष्ट्रीय आय की बात होती है यहां पर बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात होती है यहां पर बेरोजगारी की बात होती है यहां पर महंगाई की बात होती है जो जो भी अध्ययन आप राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हो ये बड़े स्तर पर कर रहे हो उसको माइक्रो uh, इकोनॉमिक्स कहते हैं और जो भी इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हैं छोटे स्तर पर कर रहे हैं है, उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं तो देखो स्मार्ट वर्क थोड़ा करेंगे तो ज्यादा अच्छे से हम चीजों को यहां पर कर सकते हैं ठीक है क्वेश्चंस भी मैं लेके आऊंगा आपके सामने और उनको बताऊंगा किस तरीके से आपका अप्रोच होना चाहिए ये क्वेश्चन क्या है क्योंकि एग्जाम के पहले एक सबसे अच्छी रणनीति क्या होती है आपके पास समय कम हो तो एक रणनीति होती है आर एस एम रिवर्स स्टडी मेथोडोलॉजी आर एस एम में क्या होता है कि हम क्वेश्चंस के थ्रू बाकी कॉन्सेप्ट का रिविजन करते चलते हैं और ये कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को कवर भी कर पाते और रिविजन भी कर पाते चीजों का तो थोड़ा अच्छा रह जाता है ठीक है ये दो चीजें देखिए प्रीलिम्स के लिए बात करूं तो कुछ चीजें बड़ी फंडामेंटल ही हैं जैसे जो भी आप प्रश्न पत्रों का एनालिसिस करेंगे तो कुछ चैप्टर्स हैं उनको आप लिख सकते हैं जिन पर आप फोकस करें तो काफी सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जैसे मैं इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहा हूं भारतीय अर्थव्यवस्था ठीक है तथा इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र ठीक है साथी साथ ही साथ साथ ही साथ कवरेज टू बिहार इकोनॉमी कवरेज टू बिहार इकोनॉमी फिर हम इनकी बात करेंगे ठीक है तो थोड़ा देख लेते हैं जैसे अगर आप चैप्टर्स की बात करो मैं प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ बात कर रहा हूं फंडा मेंटल्स ऑफ इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स आप बोलते हो अर्थव्यवस्था तथा अर्थशास्त्र की अवधारणा दूसरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थोड़ा सा देखेंगे ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह को उसको हम जोड़ पाए क्योंकि टॉपिक है मेंस का समृद्धि व विकास समृद्धि व विकास नेक्स्ट अगर बात करूं इट्स लाइक like, uh, थोड़ा बहुत एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं हल्की फुल्की चीजें नेशनल इनकम अकाउंटिंग इन डेप्त एनालिसिस नहीं करेंगे बट हां एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे राष्ट्रीय आय लेखांकन ठीक है थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट इन्फ्लेशन मुद्रास्वीति मुद्रास्फीति या जिसको आप महंगाई कहते हो नेक्स्ट इन्फ्लेशन हो गया नेक्स्ट गवर्नमेंट बजट पब्लिक फाइनेंस में पढ़ेंगे गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे सार्वजनिक बजट व आर्थिक सर्वेक्षण नेक्स्ट है इंडियन टैक्स सिस्टम थोड़ा बहुत इनके बारे में भी भारतीय कर प्रणाली अभी सोलहवें वित्त आयोग की बात हो रही है तो एक चीज और मैं अप कर दूंगा फिनांस कमीशन एंड सेंटर स्टेट रिलेशंस वित्त आयोग तथा केंद्र राज्य संबंध इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम ये एक बड़ा टॉपिक है जिसमें मनी बैंकिंग फाइनेंस इनके बारे में हम पढ़ेंगे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम भारतीय वित्तीय प्रणाली बेटा ध्यान रखेंगे इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं प्रिलिम्स की बात कर रहा हूं ना कि मेंस की बात कर रहा हूं मेंस में कुछ और चैप्टर्स भी ऐड हो जाएंगे भारतीय वित्तीय प्रणाली मनी बैंकिंग फाइनेंस फाइनेंशियल मार्केट सब कुछ कवरअप करेंगे उसमें एंड सोशल सेक्टर सामाजिक क्षेत्र सामाजिक क्षेत्र में हम यहां पर कवरअप करेंगे पावर्टी गरीबी अनएम्प्लमेंट बेरोजगारी रीजनल इंबैलेंस क्षेत्रीय असंतुलन रीजनल इंबैलेंस और ये भी मेंस का टॉपिक है फिलहाल मैं प्रिलिम्स के बा, बा, परस्पेक्टिव से उसमें बात करूंगा कि प्रिलिम्स मुख्य परीक्षा की नहीं बात करेंगे प्राथमिक परीक्षा की बात करें तो इसमें आ, उसके दृष्टिकोण से कौन सी चीजें यहां पर महत्वपूर्ण बनती हैं। है विल टॉक इन दैट मैनर सोशल सेक्टर एक्सटर्नल सेक्टर भारी क्षेत्र भारी क्षेत्र बिहार स्पेशल बिहार स्पेशल ठीक है बिहार विशेष और बेटा जो कुछ भी मुझे मिसलिनियस चीजें मिलती हैं, वो मैं आपको बात पढ़ा दूंगा बाकी सब चीजें मिश्रित में कर लेंगे मिसलिनियस मिसलिनियस मिश्रित में यहाँ पर हम कर लेंगे सो दीज आर ऑल द थिंग्स और मेरा ये मानना है बेटा आपसे आपसे ये कहना है कि चीजें बहुत आसान है तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आई एम हेयर विथ गाइस आपके स्टेट में भले ही मेरा पहली बार ऐसा कुछ हो ऑफलाइन में मैंने डिफरेंट जगह पे काम किया है टू बी हियर इन बिहार एंड आई विल माय लेवल बेस्ट टू मेंटर कि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो क्योंकि मैं सब कुछ नहीं जानता लेकिन कुछ तो जानता हूं और यू कुछ कुछ करके मैं सब कुछ जान जाऊंगा तो कोई इशू नहीं है राइट right? बहुत सारी चीजें आपसे डिस्कस करेंगे आगे आने वाले हमारे वीडियोस में जिसमें अभी मैं इकोनॉमिक्स के जो बेसिक कंसेप्ट है उनकी भी बात करूंगा एनसीईआरटी लेवल पे भी बात करूंगा उनके भी क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा प्लस प्रिलिम्स के पहले जो है हमारी जो है एक महीने के अभी क्लासेस शुरू होने वाले उसमें भी हमसे आपकी हम हमसे आप, आपकी मुलाकात होगी उसमें भी जो भी आपके क्वेश्चंस क्वेरीज या जो कुछ भी है आप मेरे से पूछ सकते हो थैंक यू सो मच डियर थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी वी विल मीट अगेन वी विल डिस्कस अगेन सो आज की क्लास में सिर्फ थोड़ा बहुत आपको मैंने बताया क्या चीज़ें पढ़नी कैसे करनी है क्या सिलेबस है इन चीज़ों पर हमने बात की है एक चीज़ जो यहाँ पर रह जा रही है जैसे जब हम यहाँ पर बात कर रहे थे सो so, हमने सिलेबस बेसिक्स इनकी बात की बहुत बच्चों के सवाल होते हैं सर व्हाट शुड वी डू फॉर द करेंट अफेयर्स बेटा करंट अफेयर्स के लिए सम समसमायकी के लिए दो चीजें हैं एक तो न्यूज़पेपर्स, दूसरा डिफरेंट मैगजीन्स एंड रिपोर्ट्स, मैगजीन्स एंड रिपोर्ट्स ठीक है इनमें सबसे बढ़िया ये है कोई भी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर का न्यूज पेपर आप फॉलो कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल इन माई सब्जेक्ट द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस या फिर मैं बात करू आपकी ये इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह हैं अब बहुत सारे बच्चे मेरे हिंदी भाषी रहते हैं तो वो कहते हैं सर ये इंग्लिश समझ में नहीं आती है उनके लिए बता दो कोई भी एक राष्ट्रीय स्तर का एक अच्छा जो कि स्टूडेंट्स के लिए, लिए, लिए लिखा जाता हो वो न्यूज़पेपर वो फॉलो कर सकते हैं बहुत अच्छा है क्या पढ़ना है अगर यह पता है तो कोई भी चीज फॉलो करो आपको अपने आप चीजें सामने से समझ में आ जाएंगी एक बार में आंखों से स्कैन हो जाता है क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है क्या है सब बताते हैं क्या नहीं ये खुद से सीखना पड़ता है क्योंकि जिस दिन यह क्या नहीं पता चलेगा असफलताएं कम हो जाएंगी और अपने आप में आप सफल हो जाओगे बिकॉज सफलता हैज नो शॉर्टकट्स ठीक है सक्सेस हैव हैज नो शॉर्टकट्स आपको एक लंबी दूरी तो तही करनी पड़ेगी ठीक है Thank you so much. We'll meet again. Love you all, guys. Take care. Thanks for being with me.